मेरे प्यार, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया, ये वचन हमसे कब लिया जाएगा पता नहीं चलेगा, तभी हम क्या करेंगे फिर? हालेलुया, बाइबल नहीं रहेगा। हालेलुया, जब हमने सुना है, जो हमारे ब्रेन में या हमारे मेंदू में जो चीजें या हमारे हृदय में जो चीजें हमने सुनी है, पढ़ी है, वही हमारे काम आएगी। हालेलुया, जिसे हम याद करेंगे। पवित्र आत्मा भी नहीं रहेगा तभी हम ही लोग रहेंगे। हालेलुया, तो कैसे जिएंगे? हालेलुया, जिन वचनों को हमने सुना है, जिन वचनों को हमने पढ़ा है, वही वचन हमें सहायता करेंगे जीने के लिए। हालेलुया, तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोई भी मीटिंग मिस ना करें। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जाएंगे, योहन्ना की 11 चैप्टर और 38 से 44 वचन में हम लोग देखेंगे। जॉन 11 चैप्टर 38 to 44, योहान त्याचा 11 अध्याय त्याचे 38 ते 44 वचन, योहन्ना की किताब 11 अध्याय 38 से लेके 44 वर्ष तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, आमेन। और हम सभी लोगों को मालूम है कि ये स्टोरी क्या है। हालेलुया, लाजर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और लाजर में पहले से आपको बताता हूँ उस कहानी को, कि लाजर जो है वो बहुत बीमार है। हालेलुया, और उसकी दो बहनें हैं, मार्था और मरियम। और वो जो लोग है, वो लाजर बहुत बीमार है, और उनको मैसेज मिलता है कि प्रभु यीशु नजदीकी गांव में सेवा कर रहा है। हालेलुया, और वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह को एक मैसेज भेजते हैं कि प्रभु यीशु तेरा जो मित्र है, जो जिससे तू बहुत प्यार करता है, वो लाजर मरने की दशा में है, बहुत बीमार है, तू जल्दी आ जा। और ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं जाते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ये मार्था मरियम लाजर की सेवा करते हैं, उसको अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए होंगे, पैसा खर्चा किया होगा, लेकिन अंत में लाजर मर जाता है मेरे प्यार। हालेलुया, और लाजर मर जाता है, फिर भी यीशु मसीहा वहां पे नहीं आता है। यीशु मसीहा तभी 4 दिन के बाद उस बेथानी गांव में आता है। हालेलुया, और जैसा प्रभु यीशु मसीह बेथानी गांव में आता है, मार्था उसके पास दौड़ के जाती है, और मार्था कहती है कि प्रभु यीशु, अब अगर यहाँ पे होते ना, तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। बीमारी क्या है, ये चीजें क्या है, वो सारी चीज अलग है, लेकिन आप यहाँ पे होते ना प्रभु यीशु, तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता था। और फिर वो घर चली जाती है, मरियम को बोलती है कि प्रभु यीशु आए हैं, गुरु आए हैं, चलो तुम भी, हम सभी लोग जाएंगे। और मरियम भी उठती है, उसके पीछे सारे लोग उठते हैं और प्रभु यीशु के पास जाते हैं। मरियम भी वही कहती है जो मार्था ने कहा है, और वो रोने लगती है, और सारे लोग रोने लगते हैं। प्रभु यीशु से देख के प्रभु यीशु भी रोते हैं। हालेलुया, और प्रभु यीशु कहते हैं कि कहाँ पे वो जगह, कहाँ पे तुमने लाजर को रखा है? और मार्था बोलती कि ये ऐसी ऐसी जगह पे है, वहां पे वो गुफा है, और वहां पे हमने उसे रखा है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं, चलो हम वहां पे चलते हैं। और हम पढ़ेंगे 38 to 39 verse 38 and 39 वचन पढ़ेंगे, योहन्ना की 11 अध्याय 38 and 39 वचन पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो लाजर है, प्रभु यीशु मसीह उस गुफा के उधर जाते हैं और लाजर को देखते हैं। प्रभु यीशु कहता है कि इस पत्थर को हटाओ। तो लाजर की बहन कहती कि प्रभु, अभी इससे दुर्गंध आती होगी, वो सड़ा हुआ होगा, वाह, कैसे हम लोग करेंगे? हालेलुया, लेकिन हम लोग अगर देखते है तो एक गुफा के और एक चीज है, और गुफा के बाहर एक चीज है। हालेलुया, हम देखते हैं कि गुफा है, गुफा के अंदर एक मरा हुआ आदमी है,
वो सड़ा हुआ होगा, उसका सारा चीज बाहर फटके बाहर आई होगी और गुफा के अंदर अंधेरा होगा, कुछ भी यानी कि कुछ भी जीवन नहीं है, सब कुछ फेल है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन गुफा के दूसरी बाजू में प्रभु यीशु खड़ा है और प्रभु यीशु कहता है इस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद नहीं हटा रहा है, प्रभु यीशु खुद पत्थर को नहीं हटा रहा है, प्रभु यीशु दूसरे लोगों को बोल रहा है कि पत्थर को हटाओ। हालेलुया। हमारे हमारे लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी ऐसी सारी चीजें है जिसे हमने अब तक बंद करके रखा है। हालेलुया। उन चीजों के ऊपर हमने पत्थर लगा के बैठे हैं। हालेलुया। जहां पे चमत्कार होना था बंद करके रखा है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है, हमने बहुत ये किया हुआ है, बहुत पैसा खर्चा बंद कर देंगे और अभी इस चीज का हम याद भी नहीं करेंगे या इस चीज के पास हम लोग जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये चीजों के हमने जितने भी कोशिश की है उसमें हम सब कुछ फेल हो चुके हैं। हालेलुया। और फिर भी हमारे चमत्कारों को हमने बंद कर दिया है। हालेलुया। हमारे जो चमत्कार हम देखना चाहते थे, हमारे ही मन के अनुसार हमने उसे बंद किया है, हमने सोचा कि अब ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। ऐसी ही परिस्थिति ये मार्था और मरियम की हो गई होगी। उन्होंने कहा कि अभी खत्म हो चुका है, अभी लाजर मर चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, हमने बहुत सारी कोशिश की है, हमारी कोशिश करने के बाद भी हम लोग हार गए है, ये मर गया है, चलो इस पर अभी पत्थर लगा देते हैं। और उन्हें पत्थर लगा दिया मेरे प्यारों। हालेलुया। बहुत सारे जिंदगियां है, बहुत सारे लोग है, उन्होंने भी कई बार कोशिश की है, कोशिश में हार गए और आपने जिंदगी के ऊपर पत्थर लगाए। कौन सी चीजों में वो फंसे हुए? अपने पाप में वो फंसे हुए। हालेलुया। पापों की गंदी बातों में वो फंसे हुए और वो खोलना नहीं चाहते है। प्रभु यीशु कहता है कि पत्थर को हटाओ। हालेलुया। हालेलुया। ताकि मैं चमत्कार कर सकूं। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर जो हमने पत्थर लगा कर रखा है, प्रभु यीशु कहता है कि बेटा तू उसे खोल दे, अपने पापों को मेरे सामने तू खोल दे, तू मुझे बता दे, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, तेरे पाप जितने भी कितने भी बड़े होने दे, मैं उसे क्षमा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। हालेलुया। तू मेरा है। हालेलुया। तू शैतान का नहीं हो सकता है, तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे अपने पवित्र लहू से खरीदा है। तू अपने जो जो पत्थर लगा के बैठा है इन पापों के ऊपर, उसे तू खोल दे। हालेलुया। ताकि मैं उसमें तेरे जीवन के अंदर काम कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु यीशु अगर मैंने इन इन चीजों को, मेरे पापों को खोल दिया तो मेरे उसमें से वो बदबू आ जाएगी, वो गंदी बात आ जाएगी, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पाप इतने गंदे हैं, लोग सुनेंगे, लोग जानेंगे, बोलेंगे कि ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतना अच्छा प्रीच करता है, फिर भी ये ऐसी गंदी बातों में है, ऐसे पापों में है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी मेरे प्यारो अच्छा नहीं है। हालेलुया। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा दाऊद राजा था, उसने भी पाप किया। हालेलुया। हर एक चीज लोगों ने पाप किया है मेरे प्यारो। हम कितने भी बड़े हो जाए फिर भी हम कहीं ना कहीं पापों में फंस जाते हैं। हालेलुया। उस पापों को ढाको मत मेरे प्यारो। हालेलुया। उस पापों को बंद करो मेरे प्यारो, उनको खोल दो, प्रभु यीशु मसीह को खोल दो, क्योंकि प्रभु यीशु कुछ तो करना चाहता है, इन पापों को लेके कुछ तो करना चाहता है, हमारे जीवन से वो पाप निकाल के उसका जीवन हमें देगा मेरे प्यारो। लेकिन उसके पहले हमें हमारे पापों को उसके सामने खोलना है, उसके सामने रखना है कि प्रभु ये पाप है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे लोगों को पाप अपने पाप बताओ। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने पाप जो है प्रभु यीशु के सामने बोलो। हालेलुया। प्रभु ये सीक्रेट पाप है, ये गंदी बात मुझ में है, ये नहीं छूट रही है, मैं आपका वचन का प्रचार कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ,
मैं मेरा इतना इतना इनकम है, लेकिन ये गंदी बात है, ये गंदी बात है, मैं चर्च का मेंबर हूँ लेकिन ये गंदी बात मुझ में है। हालेलुया, प्रभु यीशु हर एक चीज का मेरे प्यारो मार दिखाने वाला महान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, वो हमें उन चीजों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, और ये जो सारी बातें जो है ना मेरे प्यारो, इससे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर की आवाज आने से पहले प्रभु हमारे अंदर की बातें जो पाप है उसे निकालना चाहता है। हालेलुया, क्यों निकालना चाहता है, क्योंकि वो हमारे बुलाहट का एक भाग है, एक हिस्सा है मेरे प्यारो, एक पार्ट है मेरे प्यारो। हालेलुया, बाइबल कहती है यरमिया का पहला अध्याय 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे, यरमिया पहला अध्याय 5 वचन, यरमिया 1st chapter 5th verse। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि माँ के गर्भ से रचने के पहले से मैं तुझे जानता हूँ, मैंने अपना चित्त तुझ पर रखा है। हालेलुया, परमेश्वर हमें हर एक चीज में इन एंड आउट जानता है मेरे प्यार। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा रक्षण रचने वाला है मेरे प्यार, उसे सब कुछ मालूम है। हालेलुया, कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हम ऐसी हालात में से क्यों गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से हम लोग क्यों गुजर रहे हैं। हालेलुया, कुछ नहीं हो रहा है, हम मरने की दशा में है फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा है। हालेलुया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे बुलाहट का एक हिस्सा है मेरे प्यार। हालेलुया, परमेश्वर जब बुलाता है तो कुछ चीजों में से हमें गुजरना पड़ता है। हालेलुया, अब्राहम को जब बुलाया गया, तो जब उसका बेटा हुआ, उसके पास उसका बेटे का मांग किया गया मेरे प्यारो, उसको ऑफर करने के लिए बोला गया मेरे प्यारो। हालेलुया, और अब्राहम ने उसे दिया। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि प्रभु 100 साल के बाद बेटा दिया और तू अभी इसे लेके जा रहा है। हालेलुया, वो अब्राहम के बुलाहट का एक भाग था मेरे प्यारो। हालेलुया, उससे गुजरना था मेरे प्यारो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सब माँ बाप, अपने सब ये धन दौलत, ये सारी जगह, ये सारा पैलेस छोड़ के जो देश मैं कहता हूँ उस देश की ओर तू चला जा। हालेलुया, ये अब्राहम का बुलाहट का एक भाग था मेरे प्यारो। हालेलुया, हम जितने भी लोग हैं ना, हम सभी लोग बुलाए गए हैं मेरे प्यारो। हालेलुया, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, छोटे से लेके बुजुर्ग तक हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हमें क्या करना है, हमें उसकी बुलाहट में खड़ा रहना है मेरे। हालेलुया, फिर प्रभु यीशु मसीहा लेट लेट आए, देरी से आए, जब लाजर मर गया 4 दिन देरी से आए। हालेलुया, और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु देरी से क्यों आया होगा, प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे शीघ्रता से प्राप्त हो जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर भैया प्रभु यीशु मसीह इतना देरी से क्यों, नहीं तो वो चीजें नहीं होती थी। हालेलुया, लेकिन वो उसका बुलाहट का एक भाग है, ऐसा उन्होंने उनको बाहर निकाला। वो जो जा रहे लाल समुंदर के यहाँ पे छावनी परेशानी में खड़े हैं, तूने तो हमको वहां से लेके आया, हम आराधना करते जा रहे हैं, हम आनंद से होके मारेगा नहीं, कोई हमें बड़े बड़े हेवी काम नहीं देगा या कष्ट के काम नहीं देगा, हम गुलामी से आजाद हो चुके हैं, हम अभी मजा करेंगे, हम अच्छे अच्छे खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे रहेंगे, हमारा खुद का निर्णय होगा, खुद का डिसीजन
पिक्चर हम ले पाएंगे, हम अपने बच्चों के साथ आनंद से नाचेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, हर एक चीज करेंगे, क्योंकि आपने हमें फ्रीडम दिया है। और अचानक ये कौन सी भयानक परिस्थिति में तूने हमें किया है? आगे लाल समुंदर है प्रभु, उन अभी हमारी कब्र यहीं पे बन जाएगी। और उन्होंने मूसा से कहा, मूसा तूने हमें मिस्र में कब्र नहीं थी, तूने इसलिए हमें यहाँ पे मरने के लिए लाया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों में बताना चाहता हूँ, लाल समुंदर की यात्रा वो इजरायली लोगों का बुलाहट का एक भाग था मेरे। हालेलुया। लाल समुंदर की यात्रा इजरायलियों का बुलाहट का एक हिस्सा था। हालेलुया। परमेश्वर दिखाना चाहता था ये पूरी दुनिया को, वही एकमात्र सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वही एकमात्र सुपरनेचुरल परमेश्वर है, वही एकमात्र अद्भुत परमेश्वर है, जो किसी को नहीं हुआ वो मैं कर सकता हूँ। हर एक वो असंभव चीज है, लेकिन मेरे को सब कुछ संभव है, ये परमेश्वर दिखाना चाहता था। हालेलुया। और उसने वो दिखाया मेरे प्यारो। हालेलुया। इतना सामर्थ हमारे परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी इतनी परिस्थिति में कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, क्योंकि ये सारी जो समस्या है, ये सारी जो परिस्थिति है हमारे सामने आती है, वो हमारे बुलाहट का एक भाग है मेरे प्यारो। हालेलुया। बुलाहट ऐसी नहीं होती है मेरे प्यारो, जब परमेश्वर की आवाज आती है तो उसके उस आवाज को सुन के जो चलते हैं उनके मार्गों में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में आप देखो, बड़ी बड़ी परेशानी आई, परमेश्वर ने उसे विक्ट्री दिया मेरे प्यारो, विजय दिया मेरे प्यारो। हालेलुया। प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, इस पृथ्वी पे थे, उनको भी बड़ी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा मेरे प्यारो, उसका उस बुलाहट का वो जो भाग था, वो हिस्सा था, वो भाग था मेरे प्यारो। हालेलुया। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आए हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। हमारे पास्टर राहुल की ओर देखो, वो कभी कुड़कुड़ाता नहीं है, कभी बड़बड़ाता नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कुछ सोर्स नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट में खड़े हैं मेरे। हालेलुया। जानो अपनी बुलाहट में स्थिर खड़ा रहना जानो। हालेलुया। प्रभु सब कुछ प्रोवाइड करता है। हालेलुया। उनके पास आज अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, क्यों? क्योंकि बुलाहट में खड़े है। हालेलुया। उन्हें बुलाहट में पीछे नहीं हटे, वो बुलाहट में खड़े है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनकी सारी नीड्स को पूरा करता है। हालेलुया। बुलाहट को जानो, बुलाहट में सामर्थ्य है। हालेलुया। कभी कभी अपना डाउन होते हैं, निराश मत होना, क्योंकि आगे हमें हाईवे पे चलना है। हालेलुया। हम ऊपर नीचे करते एक दिन आएगा, परमेश्वर हाईवे पे चलाएगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट में सामर्थ्य है मेरे प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर और परमेश्वर की बुलाहट में सामर्थ्य है। जब हम परमेश्वर की बुलाहट में खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमें उसकी महिमा में लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट जॉन 11 चैप्टर 40 वचन, फर्स्ट जॉन 11 चैप्टर 40 वर्स, सॉरी फर्स्ट जॉन है, जॉन 11 40, योहन्ना 11:40, योहन 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमेन। हालेलुया। सामर्थ्यशाली वचन है। हालेलुया। वचन कहता है कि मैंने तुझसे नहीं कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमें यही कहता है कि भाई मैंने तुझसे नहीं कहा था, विश्वास करेगा या विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। इस कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे सेवकों का या बहुत सारे पास्टरों का जो फाइनेंस है डामाडोल हो चुका है मेरे प्यारों, बहुत सारे चर्चेस बंद हो चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, लेकिन जिन पर परमेश्वर की बुलाहट होती है ना, वही लोग परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझसे नहीं कहा था, जब तू विश्वास करेगा या विश्वास करेगी तो ही तू महिमा देखेगी, परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया।
और अगर आप ये वचन पढ़ते हो, ये वचन सुनते हो, तो ये वचन परमेश्वर प्रभु यीशु ने तभी कहा जब लाजर चार दिन के लाजर के पास प्रभु यीशु आया चार दिन मरने के बाद। हालेलुया, चार दिन हो गए उसके मृत्यु, चार दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आया और उसी उसमें कहता है प्रभु यीशु कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो हम परमेश्वर की महिमा देगी। हालेलुया, सड़ा हुआ है, पूरा सड़ा हुआ है, वो लाजर जो अंदर पड़ा है चार दिन के बाद सड़ा हुआ है, पूरा उसका शरीर जो है वो फट गया है, सब अंदर का जो शरीर के अंदर का है सब बाहर आ गया है, उसकी सड़न की बदबू आ रही है, कोई उस जगह पे जाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में प्रभु यीशु वहां पे आता है और कहता है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया, हमारी परिस्थिति कितनी भी मरी होने दीजिए मेरे प्यारो, कितनी भी मरी होने दीजिए, कितनी भी भयंकर परिस्थिति आने दीजिए, ये मरा हुआ लाजर है, उसकी सड़न बदबू आ रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बहनें रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, अचानक प्रभु यीशु कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया, हम हमारे 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 जीवनों में अगर चीज में हम हारे हुए हैं, अपने आप को अपने मन को बताओ कि विश्वास करेगा या विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगा या देखेगी। हालेलुया, अपने मन को रोज बोलो कि तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा तो आज परमेश्वर की महिमा देखेगा। हालेलुया, जब हम लोग उठेंगे, हम लोग जागेंगे, हमारी आंखें खुलेंगी, हम लोग बोलेंगे कि जब परमेश्वर वचन पर विश्वास रख, आज परमेश्वर मुझे बहुत बड़ी उसकी महिमा दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया, परमेश्वर हर चीज से बात करता है मेरे प्यारो, हमें उत्साहित करता है। हालेलुया, ये समय नहीं है कुड़कुड़ाने का या बड़बड़ाने का, ये समय है परमेश्वर की उपस्थिति के उसका आनंद लेने का मेरे प्यारो। क्योंकि वो जो बुलाहट ने बुलाहट में परमेश्वर ने हमें लेके आया ना, उस बुलाहट में दम है मेरे प्यारो। हालेलुया, उस बुलाहट में सामर्थ्य। हालेलुया, बुलाहट देने वाला कौन है? महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने सबको बनाया है मेरे प्यारो, उसकी बुलाहट में सामर्थ्य। हालेलुया, उसकी बुलाहट में सामर्थ्य। हालेलुया, हम उसी का ही यूहन्ना का 11 अध्याय का 41 से लेके 44 तक पढ़ेंगे मेरे प्यारो। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उनका मुंह और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाजर जो था वो पूरी तरह से मरा हुआ है, और जो उसको पूरी तरह से बैंडेज से बांधा हुआ है, और उसके हाथ पैर बांधे हुए है, और उसको और उस कब्र में रखा है। हालेलुया, जब कोई भी मरता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके नाक में, उसके कान में या उसके मुंह में वो कपड़ा डालते है, कॉटन डालते है। हालेलुया, और उसके हाथों पैरों को बांध के रखते हैं, और पुराने जमाने में उनको पूरे तरह से बैंडेज से बांधते थे, उनका पूरा मुंह भी बैंडेज से ढका हुआ होता है। हालेलुया, आमेन। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि उसके जो कब्र का ये खोल दो, क्या बोलते हैं, पत्थर खोल दो, उसको ओपन करो। और उसकी बहन कहती है, प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती होगी, वो सड़ा हुआ होगा, अभी वहां पे जाने से कोई मतलब
हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अपनी परिस्थिति कितनी भी सड़ी होने दीजिए, कितनी भी खराब होने दीजिए, परमेश्वर जब बुलाता है ना, तो उस बुलाहट में, उस बुलाहट के वाणी में, उस बुलाहट के शब्द में इतनी ताकत होती है। लादर का जो फटा हुआ, जो सड़ा हुआ था, जब उसके पास परमेश्वर का वचन गया, उसने पुकारा, लादर बाहर आ, वो शब्द जब वो अंदर गुफा में लादर के पास गए, मेरे प्यारो, खराब हुआ था, जो सड़ा हुआ था वो अच्छा बनने लगा, मेरे वो सवरने लगा, मेरे प्यारो, हालेलुया। जो खराब चीज हुई थी वो सवरने लगा, जो सड़ा हुआ था वो ताजा होने लगा, मेरे हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर में है, मेरे प्यारो। तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी सवरने दो, कितनी भी खराब होने दो, फिर भी परमेश्वर का जब वचन आता है, मेरे प्यारो, हमारा जित बिगड़ी हुई परिस्थिति, बिगड़ा हुआ फाइनेंस, बिगड़ा हुआ परिवार, वो हमारी हमारी बिगड़ी हुई अशांति, बिखरे हुए आनंद, बिखरा हुआ परिवार, बिखरे हुए बच्चे, बिखरा हुआ सारी चीजें परमेश्वर की आवाज से सवार आधा होने लगता है, क्योंकि वो बुलाहट में सामर्थ है, वो बुलाहट में जीवन है, वो बुलाहट में आनंद है, उस बुलाहट में शांति है, वो बुलाहट में सब कुछ है, मेरे प्यार, क्योंकि जीवन उसी में है, हालेलुया। और हम लोग जब देखते हैं लादर के कब्र में जाने के लिए 27 पायरिया है, जब लादर मरा था उसको गाड़ने, वो गुफा में रखने के लिए लोग अंदर गए, लेकिन लादर को वो रास्ता दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि वो मरा हुआ था। लेकिन जब लादर को परमेश्वर ने पुकारा, तो लादर की जो आत्मिक कान थे, उसने उन चीजों को सुना और लादर बाहर आया। हालेलुया। बंद दरवाजे दरवाजे तक लादर कैसे आया? उसने, उसके जो कान थे, वो जो मरे हुए थे, वो आत्मिक कान जिंदा हुए और परमेश्वर का वचन पाने की उसने शक्ति पाली, मेरे प्यारों, और उन वचनों से वो जिंदा हो गया, मेरे प्यारे, हालेलुया। और उसको रास्ता दिखाई दिया, हालेलुया। परमेश्वर का जब वचन आता है ना, तो हमारे सारे बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मेरे प्यारे, कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता। परमेश्वर का जब वाणी आती है, वर्ड आ जाता है, वो हमारे लिए खोला जाता है, मेरे प्यारे, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, हालेलुया। वक्त नहीं है, मैं यही पे खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट में सामर्थ्य है, उसमें स्थिर खड़ा हो जाओ, मेरे प्यारों। परमेश्वर को छोड़ो मत, परमेश्वर बहुत अच्छा है। बहुत लोग परमेश्वर को आधी आधी जर्नी में या आधी अपने जीवन की प्रवास में छोड़ जाते हैं। ऐसा मत करो, मेरे प्यारों, परमेश्वर को आखिर तक उसके साथ चलते रहो, उसकी बुलाहट में खड़े रहो, तो ही परमेश्वर आपको उसकी महिमा में लेके जाएगा, मेरे प्यारों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते, आपके नाम हम ऊंचा उठाते हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु, आप ही महान है, आप ही सर्वशक्तिमान है। जो हमने सुना है, मेरे प्यारे परमेश्वर, उसे हम स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता दीजिए। हमारी परिस्थिति कितनी भी सड़ी हो, कितनी भी बिखरी हो, फिर भी परमेश्वर आपके बुलाहट में हमें खड़ा रहने के लिए सहायता दीजिए, कृपा दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि बिगड़ी हुई परिस्थिति, मेरे परमेश्वर, सवर जाएगी, मेरे प्यारे परमेश्वर। जो सड़ा हुआ परिस्थिति है वो सवर जाएगी, वो ताजा हो जाएगी आपके वचन के अनुसार, आपके शब्द के अनुसार, मेरे प्यारे परमेश्वर। तो वो आपको महिमा देता, आपकी स्तुति करता हूँ, और ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से। आमीन।